प्लास्टिक आज हमारी ज़रूरत बन गई है, लेकिन प्लास्टिक का जन्म कहाँ हुआ, प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया और कब किया, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो पहला मानव निर्मित प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से लंदन में 1862 की महान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इसका प्रदर्शन किया था। लेकिन दुनिया का पूरी तरह से सिंथेटिक प्लास्टिक का आविष्कार 1907 में लियो बैकलैंड द्वारा किया गया था, जिसमें प्लास्टिक शब्द गढ़ा हुआ था। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मोटर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगली वीडियो हम किस पर लाए ये भी बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।